एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रख देते हैं। कोरोना के इस दौर में तकनीक के नए आयाम भी हमने देखे हैं। उसी तर्ज पर देश को मिलने जा रही है एक और बड़ी सौगात। अब से कुछ घंटे बाद पीएम मोदी देश को एक अनूठा गिफ्ट देने वाले हैं। क्या है वो गिफ्ट, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2021 आने वाला है। नए साल के मौके पर पीएम मोदी नई सौगात देने जा रहे हैं। अब से कुछ घंटों के बाद देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। ये सेवा दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन तक बिना ड्राइवर के चलेगी। बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के शुरू होते ही DMRC दुनिया के उन 7 मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगी जहां बिना ड्राइवर वाली ट्रेन चलाई जा रही है। इसके बाद 2021 में 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलती है, उस रूट पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के लगभग 94 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो चलने लगेगी, जो विश्व के बिना ड्राइवर वाले मेट्रो नेटवर्क का लगभग 9% होगा। बिना ड्राइवर वाली ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की शुरुआत भी करेंगे। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के इस्तेमाल से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा कर सकता है। पीएमओ के अनुसार ये सुविधा 2022 तक दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। बीते 6 सालों में पूरे देश में मेट्रो रेल में बहुत बदलाव हुआ है। 2014 में 5 शहरों में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू थी। इस समय भारत के 18 शहरों में 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हैं। आने वाले समय में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी नई लाइनें जुड़ेंगी और देश के लगभग 27 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। 2022 तक जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब भारत में 1000 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क होगा जिस पर रोजाना 1 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। ABP News आपको रखे आगे।